स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। गोंदिया में 21 को मतदान, कौन मारेगा मैदान। सोशल मीडिया से लेकर आम जनता के बीच इन दिनों यह चर्चा बनी है कि गोंदिया विधानसभा का चुनाव इस बार जनता लड़ रही है। सोचने वाली बात है, चुनाव तो उम्मीदवार लड़ता है, फिर जनता कैसे लड़ेगी। हम इसी विषय को लेकर जमीनी हकीकत जानने के लिए रियलिटी टेस्ट करने शहर से लेकर कई ग्रामीण इलाकों के दौरे पर निकले। इस बार चुनावी फिजा कुछ बदली सी नजर आ रही है। 10 में से 6 लोग परिवर्तन चाहते हैं। अब यह परिवर्तन कैसा होगा और किसे जीत दिलाएगा, यह तो पब्लिक का वोट तय करेगा। अलबत्ता इतना जरूर है, चुनावी रियलिटी किसी चौंकाने वाले परिणाम की ओर इशारा कर रहे हैं। यहाँ प्रचार में चुनाव चिन्ह का होता है बड़ा महत्व। वहीं एक भी बड़े नेता की रैली नहीं हुई है। जी हाँ, भाजपा कार्यकर्ताओं को इस बात का बेहद अफसोस है कि पार्टी ने टिकट तो दे दिया, लेकिन हर चुनाव में प्रत्याशी को जिताने के लिए बड़े नेताओं की रैलियां होती है, जिसके बाद कार्यकर्ता काम पर लग जाते हैं। लेकिन यह पहली बार देखने को मिला है कि कोई भी बड़ा नेता प्रचार सभा हेतु गोंदिया नहीं आ रहे हैं। न मुख्यमंत्री की सभा हुई है, न ही नितिन गडकरी की। पालक मंत्री परिणय फुके तुमसर के प्रत्याशी के लिए तो प्रचार करने पहुंचे, लेकिन गोंदिया में नजरअंदाज कर दिया। यहां तक सुनील मेंढे के पास तो समय ही नहीं, वे भी गोंदिया प्रत्याशी से किनारा किए हुए हैं। ऐसे में संदेश साफ है, साथ रहकर भी साथ न निभाना। अब बड़े नेताओं के प्रचार में न उतरने का नुकसान किसे होगा और फायदा किसे, इसका अंदाजा अब सहज ही लगाया जा सकता है। आता माजी सटकली, साथ दिख रहे पर साथ नहीं। वो कहते हैं ना, पार्टी अकालमान का एक निर्णय सारे समीकरण ही गड़बड़ा देता है। टिकट वितरण के बाद कुछ ऐसे ही हालात गोंदिया विधानसभा सीट पर बन चुके हैं। हालात जहां एक साथ घूम रहे और दिख रहे कार्यकर्ता भी दिली रूप से साथ नहीं, जनता की तो बात ही निराली है। वहां तो परिवर्तन पर वही आमदा दिखाई पड़ती है, जहां गोंदिया सट्टा बाजार दोनों का भाव 90 पैसे है। सट्टा बाजार के विषय में कहा जाता है कि इस धंधे से जुड़ी सटोरियों की पेट शहर से लेकर गांव के अंतिम छोर तक अंतिम व्यक्ति तक होती है, और सारे समीकरण टटोलने के बाद ही वे भाव खोलते हैं। हालांकि भारत में सट्टा गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी यह उतना ही सच है कि यह कानून की नजरों में धूल झोंक कर खेला जाता है। सटोरियों की माने तो गोंदिया सीट पर बेहद करीबी मुकाबला और टक्कर बराबरी की है, लिहाजा दोनों का भाव 90 पैसे चल रहा है। फिलहाल वक्त हो चुका है ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं, प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक एंड इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बने रहिए MNS न्यूज के साथ। धन्यवाद।